الله أكبر الله أكبر سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له وصل على خاتم الرسل والأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر آج 3 رجب 1435 ہجری مبارکہ اور 2 مئی 2014 عیسوی کا یہ پروگرام مکتب الدعوہ و توعیت الجلیات انیزہ کے زیر اہتمام آپ دوستوں کے سامنے منعقد کیا گیا اور محترم شیخ عبد الماجد صاحب کی خصوصی دعوت پر آپ دوستوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل
का ये मौजू लेकर मैं आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला जल्ला शानहू से ये दुआ है कि रब्बे कायनात मुझे कुरान और सुन्नत के मुताबिक कहने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ कहा जाए सुना जाए रब्बे कायनात इस पर मुझे भी आप दोस्तों को भी और जहां तक हमारी ये आवाज पहुंचे रब्बे कायनात अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, असल चीज अमल हुआ करती है। लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, लेकिन अगर इस पढ़ने और पढ़ाने के साथ सुनने और सुनाने के साथ अमल न हो तो फिर इस पढ़ने और पढ़ाने का, सुनने और सुनाने का सिर्फ यहीं तक फायदा रहेगा, लेकिन आगे जो उसका मकसद है वो फौत हो जाएगा। एक शख्स उसको पता है कि नमाज फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा है, उनकी रक्तें इतनी इतनी हैं, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता। तो इन रक्तों का याद करना, नमाजों के टाइम का याद करना, नमाजों के औकात का हिफ्ज कर लेना उसके काम। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आप देखें जहां पर भी फराइज की बात आई, ईमान की बात आई, तो उसके साथ साथ अमले सालेहा का भी जिक्र किया गया कि ईमान लाने के बाद जो पहला ही सबक शुरू हो जाता है, पहला ही चैप्टर सामने आ जाता है एक मोमन मुसलमान बंदे के लिए, वो क्या है? अमले सालेहा, नेक आमाल। और वो इबादात जो रब्बे कायनात ने अपने बंदे पर फर्ज की हैं। तो बहरहाल आज जिस मौजू पर आप दोस्तों के सामने गुफ्तगु करना है वो है कुरान मजीद फुरकान हमीद के फजाइल। और ये मैं इसलिए आप दोस्तों के सामने बयान करना चाह रहा हूं ताकि हमारे दिलों में इसका शौक पैदा हो जाए, कुरान मजीद को पढ़ने का, इसकी तिलावत करने का, इसको हिफ्ज करने का। और इस कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो रब्बे कायनात ने अहकामात इस उम्मत मुहम्मदिया पर नाजिल किए हैं उन पर चलने का हमारे दिलों में शौक पैदा हो जाए। और जिन चीजों से रब्बे कायनात ने रोका है, जो मनहियात है, उनसे बचने का हमारे दिलों में एहसास पैदा हो जाए। और जिस तरह रब्बे कायनात चाहते हैं हम उसी तरह फिर अपनी जिंदगियों को बसर करना शुरू करें। किसी ने क्या खूब कहा है कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में कि दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, दुनिया के शायरों का
दीवान पढ़कर देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़कर देखो। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा रोश, दिल भी बनेगा गुलशन। तुम सिर्फ एक सूरत रहमान पढ़कर दे दो, देखो। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद, हकीकत यह बात है, जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत उतर जाती है, कुरान को पढ़ने का एहसास पैदा हो जाता है, कुरान के साथ उसका ताल्लुक कायम हो जाता है, और कुरान मजीद फुरकान हमीद से उसको उल्फत हो जाती है, लगाव हो जाता है। तो फिर यह शख्स, इस शख्स का कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरता कि जिस दिन में यह अपने रब की इस कलाम, इस किताब की तिलावत न करे। फिर उसको सुकून, इत्मीनान और राहत किसी और चीज में नहीं मिलती सिवाय अल्लाह की कलाम में। तो इसलिए हकीकत यही है कि ये जो कुरान है, जहां अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इसमें अपने अहकामात को नाजिल किया है, इबादात के बारे में खबर दी है, वहीं इस किताब में अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने सुकून, इत्मीनान, राहत और बीमारियों की शफा भी रखी है। लेकिन बात यही है कि कौन है जो इसकी तरफ आए, कौन है जो इसको पढ़े, कौन है जो इसको समझे। इसीलिए तो कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में कहा, फ़ऐन तज़हबून, कुरान से मुंह मोड़कर तुम कहां चले जाते हो। तो बहरहाल अल्लाह ताला जल्ला शानहू हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे समझने की, इसके बारे में हमें फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, फमन तबा हुदाया फला यदिल्लु वला यश्का, जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो न तो गुमराह होगा और न ही बदबख्ती में मुबतला होगा। जो अल्लाह ताला जल्ला शानहू की हिदायत की, और हिदायत से मुराद क्या है, कुरान मजीद फुरकान हमीद, जो इस कुरान की पैरवी करेगा, इस कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो रब्बे कायनात ने अपने अहकामात नाजिल किए हैं उनके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेगा, तो ऐसा शख्स कभी भी गुमराह नहीं हो सकता और न ही कभी यह किसी बदबख्ती में मुबतला हो सकता है। और जो ईमान और यकीन के तालिब हो और हिदायत और रहमत के मोहताज हो, सुकून और सकीनत के मुतलाशी हो, मसायब और आराम और रजो गम में मुबतला हो, बीमारियों और परेशानियों में मुबतला हो और उनकी जिंदगी मुसीबतों में, परेशानियों में, मसाइल में फंसी हुई हो, और जो भूखो इफलास के अजाब में मुबतला हो, अमनो सलामती से जो लोग महरूम हो, जो खुशहाली को तरसते हो और आसूदगी के पीछे हो, दर बदर की जो ठोकरें खा रहे हो और जिल्लत और रसवाई जिनका मुकद्दर बन चुकी हो, ऐसे लोग कुरान मजीद
فرقان حمید کا فرمان کان لگا کر سنیں۔ ایسے لوگ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ پیغام سنیں کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، او لوگو مجھ سے منہ موڑ کر کہاں جاتے ہو، اے پریشانیوں میں ڈوبے ہو، اے ذلت و رسوائی کے اندر گھرے ہو، اے رنج و علم کے اندر مبتلا لوگو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہو، اور اگر تم قرآن کو چھوڑو گے، قرآن سے منہ پھیرو گے تو پھر کیا ہوگا، پھر گمراہ ہو جاؤ گے، پھر کیا ہوگا، گمراہ ہو جاؤ گے، بدبختی میں مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، اور پھر آخرت میں شعلے مارتی ہوئی، دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جو ہے وہ جھونک دیے جاؤ گے۔ بس پلٹ آؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اس کتاب کو ہم نے نازل فرمایا، بڑی برکت والی ہے یہ کتاب، اس کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اس کتاب کی طرف آنا، اس کی تلاوت کرنا، اس میں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے احکامات نازل کیے ہیں ان پر عمل کرنا، یہ مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اور اگر تم قرآن کی طرف لوٹ آئے، قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کی طرف تم آ گئے، اور جو قرآن تم سے کہتا ہے اس کے مطابق تم نے اپنی زندگیوں کو بسر کرنا شروع کر دیا، تو یہ حقیقت ہے، پھر رحمت سے نوازے جاؤ گے، پھر رحمت سے نوازے جاؤ گے، اور پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت پاؤ گے، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی، اور پھر آخرت میں لامحدود نا ختم ہونے والی خوشیوں کے اندر، نعمتوں کے اندر، اللہ کی جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے۔ بس اے عقل رکھنے والوں، ذرا سر جوڑ کر بیٹھو اور ذرا غور و فکر کرو کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اچھی ہے یا ذلت یا عزت اور افتخار اچھا ہے، دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں سوچ لو کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اچھی ہے یا پھر عزت اور افتخار اچھا ہے، کیا آخرت میں شعلے مارتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی جہنم کی طرف جانا چاہتے ہو، یا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بے بہا نعمتوں والی جنت کی طرف جانا چاہتے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ اب گیند تو آپ کے کورٹ میں ہے، اب یہ تو آپ کے اختیار میں ہے کہ دونوں میں سے کس چیز کو تم اختیار کرتے ہو تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب ہو جاؤ اور اس کے اندر فلاح پا جاؤ۔ تو بہرحال قرآن مجید فرقان حمید حقیقت میں وہ کتاب ہے کہ جس پر چل کر انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، اتنی بڑی کتاب ہے کہ اس جس رات کے اندر یہ نازل ہوئی وہ رات تمام راتوں کی سردار بنا دی گئی، اور اس رات میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ،
اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جس رات میں یہ قرآن نازل کیا اس رات کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں کیا پتا, تمہیں کیا خبر کہ لیلت القدر کیا ہے, تمہیں کیا پتا کہ لیلت القدر کیا ہے. اور خود رب کائنات اس لیلت القدر کی اہمیت کے بارے میں, اس رات کی فضیلت کے بارے میں خود رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کی رات ایسی ہے کہ جس رات کے اندر کوئی رب کی عبادت کرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے جی, الف شہر, ایک ہزار مہینہ. ایک ہزار کو درمیان میں رکھ کر ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ بارہ. ایک ہزار کو درمیان میں رکھیں, بارہ کو سیر پہ رکھ کر تقسیم کر دیں تو کتنے سال بنیں گے؟ تقریباً 83 سال سے کچھ زیادہ بن جائیں گے جی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جس رات میں اس قرآن کو نازل کیا اس کی فضیلت کے بارے میں. تو بہرحال جو آیت مبارکہ میں نے آپ دوستوں کے سامنے خطبے کے شروع میں پڑھی تھی, رب کائنات فرماتے ہیں یا ایہا الناس, اے لوگو, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک آواز آ گیا, تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی. اللہ اکبر. وہ نصیحت کیسی ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, اس نصیحت کے اندر تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. اس قرآن میں تمہارے دلوں کی بیماریوں کا رب نے علاج رکھا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور اس کے ساتھ اس کے اندر کیا ہے؟ ہدایت ہے اور رحمت ہے. کن کے لیے؟ للمؤمنین, مومنوں کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی ہے کہ اس نے قرآن کو نازل کیا. اب اس کے نزول کے بعد, اس رحمت کے آ جانے کے بعد, فلیفرحوا, ان کو خوش ہونا چاہیے. ان کو اتنی بڑی نعمت آنے کے بعد ان کو خوشی منانی چاہیے, ان کو خوش ہونا چاہیے کہ رب کی طرف سے ہمارے پاس ایک رحمت آئی ہے. ہوا خیر مما یجمعون, تمام وہ چیزیں جن کو یہ جمع کر رہے ہیں اس سے یہ خوشی بہتر ہے, اس سے یہ قرآن بہتر ہے, اس سے رب کا یہ فرمان بہتر ہے, اس سے یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نازل کردہ رحمت رحمت بہتر ہے جی. تو اس لیے میرے محترم دوستوں, یہ قرآن جہاں ہدایت ہے, یہ قرآن جہاں رب کی کتاب ہے, یہ قرآن جہاں دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے, یہ قرآن لوگوں کے لیے, اس میں مسلمان بھی ہے اور اس کے اندر کافر بھی ہے, ان کے لیے یہ سیدھا راستہ متعین کرنے والی ایک کتاب بھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح مسلمان بندہ اس کی تلاوت کر کے, اس کو پڑھ کر, اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں سرفراز ہوتا ہے, اسی طرح ایک کافر اس کو پڑھ کر ہدایت کے راستے پر آتا ہے. اور یہ حقیقت ہے, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اگر آپ دنیا کی اخبار میں رہتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں اور نصرانیت چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں اس قرآن کو پڑھتے ہیں کفر و شرک کی زندگی کو چھوڑ کر اسلام والی زندگی میں, ایمان والی زندگی میں آ جاتے ہیں. اور کتنا ہی افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھ ہی اسلام کے قلعہ میں کھولی ہے, اسلام کے گھر میں کھولی ہے, وہ اسلام اس قرآن کو کھول کر نہیں پڑھتے. ان کو پتا ہی نہیں کہ یہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے, اور کہتے کیا ہے, قرآن سمجھ میں نہیں آتا, قرآن کہتے سمجھ میں نہیں آتا. ایک عیسائی, ایک ہندو, ایک غیر مسلم قرآن کو پڑھے اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے, اور وہ کفر و شرک کی زندگی چھوڑ کر ایک اسلام والی زندگی میں آ جاتا ہے, اور مسلمان کہتا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ ان بیچاروں کا دھوکہ نہیں ہے, یہ مولویوں نے ان کو دھوکہ دیا ہوا.
कि कुरान तुम्हारी समझ में आने वाला नहीं है, कुरान तुम्हारी समझ में आने वाला नहीं है। कुरान पढ़ने के लिए तो 18-20 उलूम चाहिए। अब वो जब वो सोचता है 18 और 20 उलूम इसको सीखने के लिए चाहते, वो कहता हमारे पास कहां ये टाइम है। यही बात हिंदू का पंडित कहता है कि ये जो किताब है ये तुम्हारी समझ में आने वाली नहीं, तुम हमारे पास आया करो और हम तुम्हें गीता पढ़ाएंगे, हम तुम्हें जो उनकी हिंदुओं की किताबें हैं वो हम तुम्हें जब सुना दिया करेंगे। यही बात एक नसरानी का कनीसे में बैठने वाला पादरी कहता है कि इंजील तुम्हारी समझ में आने वाली नहीं, हमारे पास आया करो हम तुम्हें बता देंगे कि इसमें क्या है। और यही बात आज का मुसलमानों का इमाम कहे, उनका पेशवा कहे, उनका उस्ताद और कारी कहे कि कुरान तुम्हारे समझ में आने वाला नहीं, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि ये क्या कह रहा है, इसलिए तुम हमारे पास आया करो हम तुम्हें बता दिया करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ईसाइयों की जमात इंजील पढ़ रही है और आयात आई जिनमें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था, तो हाथ रख लिया ऊपर और आगे चलते बने, कहा ये हाथ उठाओ जो नीचे है वो भी पढ़ो, गोया के वो अपनी किताब को बदलते थे, उसके मानी को बदलते थे, उसके मतालिक को बदलते थे। और यही चीज आज मुसलमानों में है। लोग बेचारे जो कभी कुरान को खोलते नहीं और कुछ लोग सिर्फ तिलावत तक महदूद हैं, उनको ये खुद बतलाते हैं कि ये कुरान क्या कहता है। एक हमारे दोस्त वो कहते हमारे इलाके में मस्जिद थी तो जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का तो मुझे पता नहीं, पाकिस्तान के निसाब में किताब है इस्लामियात, उसमें कुछ सूरतों का तर्जमा भी होता है। अब कुछ बच्चों को किसी किताब के साथ ताल्लुक ज्यादा कायम हो जाता है तो उसने जब वो इस्लामियात पढ़ी तो उसके दिल में शौक पैदा हुआ कि यहां तो चंद आयतें हैं, चंद छोटी छोटी सूरतों का तर्जमा है, क्यों ना मैं कुरान पढ़ू, कुरान का तर्जमा पढ़ू। उसके दिल में शौक पैदा हो गया, वो अपने मौली साहब के पास गया, मौली साहब ये कुरान का तर्जमा तो मुझे पढ़ा दे। वो कहा नहीं 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 ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। दो चार मरतबा उसने कहा मौली साहब मुझे शौक है कुरान का तर्जमा पढ़ने का। अरे नहीं नहीं तुम्हारी समझ में आने वाला नहीं। जब उसने ज्यादा इसरार किया तो कहने लगा देखो अगर तुमने तर्जमा बढ़िया पढ़ा तो वाहबी बन जाओगे, अगर तुमने तर्जमा पढ़ लिया तो तुम वाहबी बन जाओगे। उसने कहा ये कौन सी बात हुई, तुमने नहीं पढ़ा, तुमने नहीं पढ़ा, अगर तुमने पढ़ा है तुम वाहबी भी हो तो मैं कैसे हो जाऊंगा। वो कहने नहीं, नहीं तेरी समझ में आने वाला नहीं। उसने जाकर घर बतलाया। अब जब घर जाकर बतलाया तो अब्बा जी उसके आगे आकर मौली साहब को कहने लगे मौली साहब बच्चे का शौक है कुरान का तर्जमा पढ़ना तो आप पढ़ाते क्यों नहीं। कहने लगे मैंने तो इसको कहा कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी समय में नहीं आएगा। उसने कहा क्यों समय में नहीं आएगा, हमने तुम्हें रखा किस लिए यहां पर इमाम बनाकर, जी नमाज पढ़ानी, बच्चों को कुरान पढ़ाना, तर्जमा पढ़ाना, इसलिए तो हमने तुम्हें रखा है, और तुम्हारा रखने का मकसद क्या है। जब उसने ज्यादा इसरार किया तो उसने कहा कि देखे बुजुर्गो बात सीधी सीधी है, अगर इसने कुरान का तर्जमा पढ़ लिया तो ये वाहबी हो जाएगा। अब उसने भी कोई बेटे वाली बात की, जब कोई बात करने की कुरान का तर्जमा तो हर एक बंदे का पढ़ मुसलमान का हक है कि इसको पढ़े और देखे कि उसका रब उसको क्या कहता है। कहना बरहाल मैंने आपको बतला दिया पढ़ना तो पढ़े लेकिन ये बात रखे वाहबी हो जाना इसने। तर्जमा शुरू हो गया, पढ़ते रहे। अब उसके अंदर जो है वो आयात आती है जिसका ये तर्जमा त्रोड़ और मरोड़ का करते हैं। मिसाल के तौर पर ये भी आयत आई लेकिन यार लोग क्या कहते हैं, नहीं बाबा भी जानता है कब्र के नीचे मनो मट्टी के नीचे पड़ा हुआ भी जानता है, हमारा फलाना बाबा फलाना बाबा फलाना बाबा वो भी
जानता है। अब उस तालिब इल्म ने जब पढ़ा कि कुरान कहता अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता, और उसने मौलवी से सुना था कि हमारे बाबा जी भी जानते हैं, तो दिल में पैदा हुई बात कि मौलवी सच्चा या रब का कुरान सच्चा। अब दिल में बात खटकी कि मौलवी सच्चा या रब का कुरान सच्चा। मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब ये क्या है? मौलवी क्या जवाब दे इसका जी? अब उसने त्रोड़ा मरोड़ा, इधर की उधर उधर की इधर की जी। अब बच्चा समझेगा कि मौलवी मुझे जो है जी दो नंबर काम की तरफ लगा रहा है। बहरहाल चले आगे, और कई मसाइल उसके अंदर जो वो आए, जिसका जो है वो टाकरा हो गया उन तकरीरों का जो मौलवी साहब स्टेज पर बैठकर करते थे और रब के कुरान में जो चीज थी उसका टाकरा हो गया। अब जब वो सवाल पे सवाल करने लगा मौलवी साहब से, उसने कहा चुप हो जा, मैंने नहीं कहा था तू आदी हो जाएगा, बस यही तक रहा है, ये जो थोड़ा बहुत पढ़ा ना यही तक रहा है, आगे जितना आगे चलता जाएगा वह भी बनता जाएगा, मैं नहीं पढ़ाता तुझे। ये वो बात है, छोड़ा वहां से, लेकिन वो जो दिल के अंदर, जब रब दिल के अंदर चीज बिठा देता ना, उसको निकालने वाला फिर कोई नहीं होता। अब जो है उसने कहा नहीं पढ़ना तो है, ये नहीं पढ़ाता तो किसी और से, पढ़ना जरूर है। अब वो एक और मस्जिद ही करीब वहां पर चला गया, सलाम अलैकुम जी, वालेकुम सलाम, बच्चे और भी पढ़ रहे थे, कुरान उठाया, वो कहने लगा जी मैं कुरान का तर्जमा पढ़ना चाहता हूँ। तो उसने कहा आओ बैठो, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? पढ़ाने के लिए तो बैठे हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे तो और कौन पढ़ाएगा, बैठो। अब तर्जमा शुरू हो गया, पढ़ते रहे, सवाल भी होते जवाब भी मिलते, सवाल भी होते जवाब भी मिलते। वो कहता जब 23 पारे तक मैं पहुंचा तो मैंने उस उस्ताद को कहा कि मैं भाभी बनना चाहता हूं। मैं क्या बनना चाहता? उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है? उसने कहा हमारे जिस मस्जिद में मैंने शुरू किया था उसने ये कहा कि अगर तुमने कुरान का तर्जमा पढ़ लिया तो भाभी हो जाओगे, मैंने समझ लिया है कि रब मुझसे क्या कहता है, अगर जो रब मुझसे कहता है उस पर मैं अमल करके अगर मेरा नाम लोग वहाबी रखते हैं तो ठीक है, मुझे वहाबी बनना क्या है, मंजूर है जी। तो हकीकत यह है कि अगर आप रब का कुरान पढ़ेंगे पता चलेगा कि रब आपसे क्या चाहता है, ये रब की कलाम है, रब बंदे से बात करता है इस कुरान में। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों कुरान पढ़ा करें, कुरान जहां नमाज में पढ़ने के लिए नाजल हुआ है वही अमल के लिए भी नाजल हुआ है। सिर्फ ये ही नहीं कि 10-12 सूरे जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं रोजाना उन्हीं को पढ़ते रहे, कुरान में रब ने हमसे हमें क्या कहा है हमें सारी जिंदगी पता ही ना चले, इससे बड़ा अफसोस क्या है। और मैं इस चीज पर भी अफसोस करता हूं कि कोई किसी को लेटर लिखता है, कोई किसी को लेटर लिखता है, जब लेटर उसके पास पहुंचता है, किसी की मां किसी का बाप बेटे को लिखता है और बेटा कहीं अपनी मां को बाप को बीवी को लेटर लिखता है, कहीं बीवी अपने शोहर को लेटर लिखती है, तो क्या उस लेटर को देखने के बाद बंद करके रख देते हैं या उसको पढ़ते हैं? अरे उसको पढ़ते हैं। और अगर आप में से कोई ऐसा शख्स यहां मौजूद है जो तकरीबन कोई 15 और 20 साल का अरसा यहां पर गुजार चुका है, जब मोबाइल इतने आम नहीं थे, जब सारा रابطہ लेटरों के जरिए होता था, वो लेटर आता था, इसको एक महीना पहले इंतजार रहता था कि लेटर कब आएगा ताकि उसको मैं पढूं। अब लेटर आ जाता, उसको खोलता, शुरू से लेकर आखिर तक उसको पढ़ लेता, बंद कर देता, अगले दिन फिर उसी को पढ़ता, तीसरे दिन फिर, चौथे दिन फिर उसको पढ़ता, जब तक दूसरा लेटर ना आता इसी को पढ़ता रहता। और जितनी मर्तबा उसको पढ़ता था उतनी मर्तबा उसको खुशी महसूस होती थी। और दुनिया का लेटर बार बार पढ़े और रब का लेटर कभी ना पढ़े, इससे बड़ा अफसोस क्या है? क्या इससे बड़ा अफसोस भी हो सकता है? यह है रब के कलाम और रब के फरमान का हमारे नजदीक मकाम कि हम उसको खरीदें और खरीदने के बाद घर में किसी ऊंची जगह पर सजा कर रख दें कि यहां पर तू पड़ा रहा, तेरी जगह यह है, रोजाना हम तेरे नीचे से गुजरेंगे बरकत लेंगे, रोजाना तेरी तरफ देखकर बरकत लेंगे और कभी कभार तुझे उठा के सीने के साथ लगा के बरकत ले लेंगे। बरकत ऐसे नहीं आती, बरकत पढ़ने के बाद अमल करने से आती है। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों इस चीज का भी जो है वो ख्याल किया करें। इसी तरह ये जो किताब है कुरान मजीद, ये ऐसी किताब है जिसका जिम्मा उस अर्शों वाले रब ने खुद उठाया है, जिसका जिम्मा
उस अर्शों वाले रब ने खुद उठाया है, ये नहीं तो कोई इसको तब्दील कर जाए। रब्बे कायनात फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले। रब्बे कायनात की कसम है दुनिया की किताब तमाम किताबें बदलने वाली, तमाम किताबों के अंदर तहरीफ हो चुकी, ना तो आज तौरात अपनी असली हालत में मौजूद है, ना ही इंजील अपनी असली हालत में मौजूद है, ना ही दाऊद ना ही जो है वो ज़बूर अपनी असली हालत में मौजूद है। रब्बे कायनात की कसम है 1400 साल पहले जिस तरह यह कुरान नाजिल हुआ आज भी उसी तरह मौजूद है, क़यामत तक उसी तरह महफूज रहेगा, वो इसको बदल नहीं सकता। लेकिन इसके अलावा कोई किताब रब की बाकी जो किताबें उनके अंदर इन लोगों ने तहरीफ कर दी, बाकी उलूम की क्या बात है, बाकी उलूम की क्या बात है। इसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों ये कुरान जैसे इसके बहुत सारे और फजाइल हैं, इसी तरह ये रब का कुरान ऐसा है कि अपने पढ़ने वालों के लिए ये सिफारिश करेगा। ये जो कुरान है जब आप इसके साथ ताल्लुक लगाओगे, अरे दोस्ती करते हैं ना कि नहीं करते लोग, दोस्त किस लिए बनाते हैं, मुश्किल में दोस्तियां इसीलिए होती है ना जी, मुश्किल में काम आए। तो अगर कोई कुरान से दोस्ती लगाता है तो कुरान उसको ऐसे छोड़ने वाला नहीं है, अगर कोई कुरान से दोस्ती लगा लेता है तो कुरान उसको बेयारो मददगार छोड़ने वाला नहीं है। हजरत अबी उमामा अल-बाहली रजी अल्लाह तआला नो कहते हैं समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने सुना इक्राउल कुरान फइन्नहु याति यौमल क़ियामा शफीअन लियसहाबी। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुरान पढ़ा करो, वो क़यामत के रोज अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा, कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो अपने असहाब के लिए, अपने साथियों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, क़यामत के रोज ये क्या करेगा, सिफारिश करेगा। अल्लाह जी अरे कुरान की सिफारिश जी कि अल्लाह ये रातों को उठ उठकर मेरी तिलावत किया करता था, नमाजों में खड़े होकर मुझे पढ़ा करता था, इसको नींद आती थी, नींद को कुर्बान कर देता था लेकिन कुरान पढ़ता था, अल्लाह मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर ले। और यह कुरान ऐसा है जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, और सिफारिश ही नहीं बल्कि ये झगड़ा भी करेगा, झगड़ा करेगा। इब्ने हब्बान की रिवायत है जाबर रज़ी अल्लाह तआला ने इस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के रोज कुरान में जी सिफारिश करेगा और उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, यानी कि सिफारिश रद्द कर दी जाए, सिफारिश कबूल की जाएगी, पढ़ने वालों के हक में यह झगड़ा करेगा, पढ़ने वालों के हक में यह झगड़ा करेगा और अपनी बात मनवाएगा, अपनी बात मनवाएगा। जिसने कुरान मजीद को अपना पेशवा अपना रहबर बनाया ये उसको जन्नत में ले जाएगा, उसको ये जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह अकबर। इसलिए कुरान का साथ, कुरान के साथ दोस्ती लगाओ। लोग शेर व शायरी की किताबें पढ़ते हैं, कोई लोग डाइजेस्ट पढ़ते हैं, कोई लोग अखबार पढ़ते हैं, अल्लाह की कसम है उनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, लेकिन कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ने के बाद क्या फायदा होगा वो मैं आगे चलकर आप दोस्तों के सामने जो है रखता हूं। जिस तरह यह कुरान मजीद मुसलमानों के लिए है, इसी तरह यह कुरान मजीद काफरों के लिए भी क्या है, यह रहमत और मगफरत है। मुसलमान के लिए तो है ही, लेकिन एक काफर के लिए, एक काफर के लिए उसके लिए भी रहमत भी है और इसमें मगफरत भी है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि कुछ लोग अहले शिर्क वालों में से ऐसे थे कि जिन्होंने कत्ल भी किए थे, जिन्होंने जिना भी किए थे और कत्ल भी कई कई कत्ल और जिना भी कई कई कत्ल, और वो आए किसके पास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर ये कहा कि हमने तो बहुत ही कत्ल भी किए हैं और जिना भी किए हैं, तो क्या हमारी भी कोई बख्शिश का समान है, हमारी भी बख्शिश का कोई समान है। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में आयात नाजल फरमाई, सूरह फुरकान उसकी आयात रब्बे कायनात फरमाते वल्लज़ीन यदउन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु
ऐसे लोग जो अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते। और आज आज लोग क्या करते हैं, अल्लाह के साथ औरों को पुकारते हैं, अल्लाह के साथ औरों को पुकारते हैं मुसीबतों में, परेशानियों में। और अब बेकायना फरमाते हैं ऐसे लोग जो अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते, वला यक्तुलूनन नफ्स, और किसी नफ्स को कत्ल नहीं करते, इल्ला बिल हक, मगर हक के साथ, किसी भी नफ्स को कत्ल नहीं करते मगर अल्लाती हर्रम अल्लाह, जिसको अल्लाह ने उन पर हराम कर दिया। किसी का कत्लेआम नहीं करते, जिन लोगों का कत्ल करना क्या था, हराम था, किसी को कत्ल करना क्या है, हराम है। इल्ला बिल हक, मगर हक के साथ। हक क्या है, अगर किसी ने जिना किया शादीशुदा तो उसके बदले में उसको क्या किया जाएगा, और अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो उसको उसके बदले में क्या कर दिया जाएगा, जानबूझकर किसी को कत्ल नहीं करते। इसलिए कि किसी इंसान का कत्ल करना ऐसे है कि जैसे सारी इंसानियत को कत्ल कर देना, और किसी शख्स की जान बचाना ऐसे है जैसे पूरी इंसानियत की। और फरमाया वला यज़नून, और जिना नहीं करते, वमन यफअल ज़ालिका यल्का अथामा, अगर कोई ये काम करे तो उसने बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये फरमाया, और फिर अगर कोई ये काम करेगा तो उसके बारे में युजा अफलाहुल अज़ाब यौमल क़ियामा, तो उसको क्या किया जाएगा, अज़ाब के अंदर, उसको अजाब के अंदर डाल दिया जाए। और फिर कोई एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। क्या फरमाया, भैया खुलूद फीही मुहाना, उसके अंदर वो उस जिल्लत और रुसवाई के अंदर वो हमेशा हमेशा पड़े रहेगा, हमेशा हमेशा उस रुसवाई में, उस जिल्लत के अंदर वो हमेशा हमेशा जो है वो क्या करेगा, रहेगा। मगर आगे वो चीज शुरू हो रही जिसके बारे में वो लोग सवाल कर रहे थे, इल्ला मन तौबा, लेकिन जो शख्स तौबा कर ले, जो शख्स तौबा कर ले, वह आमना, और ईमान ले आए, वह अमला अमलन सालिहा, और फिर ईमान लाने के बाद बैठना रहे बल्कि अमले सालिहा करना शुरू कर दे, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, यही लोग ऐसे हैं जिनकी बुराइयों को भी रब नेकियों के साथ तब्दील कर देता है जी। जो क्या करे, तौबा कर ले, तौबा कर ले, पिछले गुनाहों से तौबा कर ले, ईमान ले आया, ईमान लाने के बाद फिर बैठ नहीं गया, छीट कर भी मैं तो मुसलमान हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ईमान लाने के बाद अमले सालिहा भी करने शुरू कर दिए, नमाजें पढ़ रहा है, रब ने माल दिया तो ज़कात भी दे रहा है, रब ने माल दिया है तो हज और उमरा भी कर रहा है, और अगर जो है वो रब ने पैसे दिए तो कुर्बानी भी कर रहा है, रमजान आता है तो रोजे भी रख रहा है, अमले सालिहा कर रहा है, तो फिर अल्लाह ताला जल्ला शानू क्या करते हैं, जो इसने बुराइयां की थी अल्लाह बुराइयों को भी नेकियों में तब्दील कर देता है। क्यों, इसलिए कि वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाहु अकबर, रब्बे का, इसलिए तो अल्लाह ताला जल्ला शानू बड़ा बख्शनहार और रहम करने वाला है, अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और एक और मकाम पर ऐसे ही लोग जो बेचारे अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं, ज्यादतियां कर बैठते हैं, अल्लाह ताला जल्ला शानू ने जिन कामों से रोका है नादानी के अंदर, या जानबूझकर उनको कर बैठते हैं, लेकिन फिर दिल के अंदर खौफ पैदा होता है कि एक दिन मैंने उस रब के सामने खड़ा होना है, एक दिन मैंने उस रब के सामने खड़ा होना है, उसने मुझसे सवाल करना है, उसके दिल में खौफ पैदा हो जाता है। तो रब्बे कायनात फरमाते हैं, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ओ लोगों जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, ओ लोगों जिन्होंने जिंदगियों के अंदर जिना किए, जिन्होंने जिंदगियों के अंदर बुराइयां की थी, चोरी डाके किए थे, उनको चाहिए कि रब के अज़ाब से या रब की रहमत से मायूस ना हो,
रब की रहमत से मायूस नहीं हो जाना जी, रब की रहमत से मायूस नहीं होना। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे बंदो, कुल या इबादी, ऐ मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इनसे कह दीजिए, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, अल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, अपनी जानों पर, ये जुल्म है ना, अल्लाह ताला के अहकामात को ना मानना जुल्म है। अल्लाह ताला के हुक्म क्या, नमाज पढ़ो, नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह का हुक्म क्या, झूठ ना बोलो, झूठ बोलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़कात दो, ज़कात नहीं देता। रब्बे कायनात ने माल दिया है, जाओ हज उमरा करो, हज उमरे के लिए नहीं जाता जी। एक आदमी दोस्त मुझे कहने लगा कि मैंने कहा अपने रिश्तेदारों की बात बतला रहा कि काफी उम्र उनकी हो चुकी है और पैसा भी उनकी उसके पास मौजूद है। मैंने कहा जी हज के लिए आ जाओ, अल्लाह ने माल दिया है, उम्रे के लिए आ जाओ। कहने लगा नहीं अभी उम्र नहीं है, अभी उम्र नहीं है। तो उम्र कब शुरू होगी इसकी जी, जब जो है वो झुक जाएगा, डंडा हाथ में आ जाएगा, फिर उम्र शुरू होगी। हमारे यहाँ यही होता, दाढ़ी रख लो जी, अभी फूल सा तो बच्चा है, अभी देखा ही इसने क्या, कुछ नहीं देखा इसने, पूरी दुनिया घूम फिर ही इसने कुछ नहीं देखा जी। फिल्मों की स्टोरियां सुन लो, ऐसी बयान करेगा कि ऐसे लगेगा यही उसका जो है डायरेक्टर है जी। और जो है इससे और सियासी गुफ्तगु सुन लो, सारा कुछ इसको आता है जी, सारा कुछ इसको पता है कि नमाज के लिए भेजो। अरे मौली साहब सारी रात तो जागता रहा है, तो मौली साहब ने कहा था सारी रात जागो, सारी रात तो जागता रहा है, अभी जो है वो 2 बजे तो सोया है, अभी उठेगा तो नींद खराब हो जाएगी। अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जी। तो अल्लाह ताला जल्ला शान फरमाते हैं कि बोल ऐ इनको कहो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म और ज्यादती की है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में रब का खौफ पैदा हो गया है कि एक दिन उस रब के सामने खड़ा होना है, तो फिर तौबा नसूहा करके उसके सामने आ जाओ, पक्की तौबा कर लो। जब तुम पक्की तौबा कर लोगे तो लाता तुम्हें रहमत इल्ला, अल्लाह की रहमत से मायूस होना नहीं, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा। जब बंदा पक्की तौबा कर लेता है और अल्लाह से वादा कर लेता है, अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे, आइंदा मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा, तो फिर अल्लाह ताला जल्ला शानहू माफ कर देते हैं। और वो वाकया आपने सुना है, एक आदमी ने जो है वो सेंचुरी मारी थी कत्ल करने की जी, पहले 98 कत्ल किए, तौबा के लिए निकला जी, फिर उसके बाद जो है उसने कहा नहीं नहीं 98 कत्ल किए, तेरी तौबा कैसे कबूल होगी। उसने कहा चलो एक और सही, उसको भी रगड़ दिया, आगे चला, फिर पूछा उन्होंने कहा तेरी तौबा कैसे कबूल होगी, अल्लाह के बंदे 99 कत्ल 99, उसने कहा सेंचुरी मारो जी, उसने एक और रगड़ दिया जी। लेकिन उसके दिल में तौबा, उसके दिल में रब का खौफ था कि मैंने अपने रब के सामने खड़े होना है, उसने मुझसे पूछना है कि तूने ये क्या जुल्म किया, उसके दिल में ये डर था, और यही डर उसकी रहाई और उसकी माफी का सबब बन गया। इसलिए मेरे भाइयों डरते रहना चाहिए, जो शख्स डरता है, जो शख्स अल्लाह की पकड़ से डरता है, यकीन करे कि तौबा उसके दर पर खड़ी है, और जो डरता नहीं है, जो डरता नहीं है, फिर वो आगे से आगे चलता चला जाता है, चलता चला जाता है जी। एक इशारा काटने पर जिसको ग्रामा ना आए वो दूसरा भी काटता है, उसको पता पीछे तो पकड़ा नहीं, पुलिस भी खड़ी थी, उन्होंने देखा भी था, वो तो मेरे पीछे हूटर वाली गाड़ी लगी नहीं, अब ये क्या करेंगे, इन्होंने नहीं पकड़ना, अब उससे आगे फिर उससे आगे। लेकिन अगर पहले ही इशारे पे पकड़ा जाए तो दूसरा काटेगा। वो बड़ी मारूफ बात है कि जो सांप से जिंदगी में डस जाए ना, वो रस्सी से भी डरता है। सांप से डस जाए ना, वो जो रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी होगी ना, उससे भी डरेगा, शायद ये सांप ही पड़ा हो, इसलिए कि वहां से उसको पहली मरतबा एक तजर्बा हो चुका है जी। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इस चीज को भी जो है वो मद्देनजर रखा करें कि दिल के अंदर रब का खौफ जरूर हो, दिल के अंदर रब का खौफ जरूर हो। और मैं समझता जिसके दिल के अंदर ये रब का खौफ है कि रब के पास मैंने हाजिर होना है जी, उसने मुझसे जिंदगी के बारे में पूछना है, तो इंशाल्लाह वो फिर बुराई नहीं करता। और फिर ये कुरान मजीद फुरकान हमीद ऐसा है कि जो इसको पढ़ते हैं, अमल करते हैं, ऐसे लोगों को दुनिया के अंदर जो है वो उरूज मिलता है, और जो इसको पढ़ते नहीं वो दुनिया के अंदर ज़लील व ख़ुआर हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से बाज़ लोगों को गलबा अता फरमाता है, बाज़ लोगों को गलबा और उरूज अता फरमाता है,
بعض لوگوں کو اس کتاب کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اور اس وقت ذلت اور رسوائی کی اور جہاں وجہ ہے ایک یہ بھی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. مردم شماری کر کے دیکھ لیں, لوگ مردم شماری کرتے ہیں, ہمارے محلے میں کتنے لوگ ہیں, آپ بھی مردم شماری کریں, کنڈا کھڑکائیں, پوچھیں کہ آج قرآن آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ کن کن لوگ, کتنے لوگ ہیں, اور کن جو بالغ ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں, کن کن لوگوں نے کتنا کتنا قرآن پڑھا ہے. اپنے محلے کی بات دور کی, آپ کی گلی کی بات دور کی, شہر اور محلے ضلع کی بات بڑی دور کی, ملک کی بات بڑی دور کی, آپ اپنے گھر سے کام شروع کر کے دیکھ لیں. ٹیلیفون کریں پیچھے کہ آج جمعے کا دن تھا, آج ہمارے گھر میں اتنے فرد تھے, کتنے کس نے کتنا کتنا قرآن پڑھا ہے جی, اور کتنا عمل کیا ہے, آج ہی پتا چل جائے گا. اور جب آپ اپنے گھر کی طرف دیکھیں گے, اس کی خبر سنیں گے, تو پھر باقی بھی دیکھ لیجئے گا کہ باقی گھروں کا کیا حال ہے. مگر الا ماشاءاللہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے جی. تو اسی لیے میرے محترم دوستو, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت یہ رب کے ساتھ تجارت ہے. رب کے ساتھ کیا ہے؟ یہ تجارت ہے. قرآن مجید کی تلاوت رب کے ساتھ تجارت ہے, اور یہ ایسی تجارت ہے جو کرتا ہے نا یہ تجارت, اس کو اس تجارت کرنے کے بعد پانچ چیزیں ملتی ہیں. لوگ تجارت کرتے ہیں نا جی, تجارت سمجھتے ہیں, تجارت کسے کہتے ہیں؟ خرید و فروخت, یہ چیز لی بیچی, وہ چیز لی بیچی. تو جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, یہ ایک تجارت ہے رب کے ساتھ, تو اس کو پانچ چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں. نمبر ایک, اس تجارت میں پوری زندگی کبھی اس کو خسارہ نہیں ہوگا. یہ ایسی تجارت ہے کہ کبھی اس کو خسارہ نہیں ہوگا. اور پڑھنے کے بعد جو رب نے وعدہ کیا ہے, اس وعدے کے مطابق پورا اجر بھی ملے گا. یہ نہیں ہے کہ وعدہ اتنا کیا تھا, اجر اس کو کم ملا ہے. اور تیسری بات, اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے اس کا اجر اور ثواب بڑھاتا ہی رہے گا, اجر و ثواب بڑھاتا ہی رہے گا. اور یہ بھی ملے گا چوتھی چیز, کہ اس لیے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جو تلاوت اور عمل کرتا ہے, یہ رب کے ساتھ تجارت کرتا ہے, اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کے باقی اعمال کی بھی قدر و قیمت کرے گا, اس کے باقی اعمال کی بھی قدر بڑھ جائے گی, اس کے باقی اعمال بھی ان اللہ جہاں قبولیت کے نزدیک ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں, ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور رحیم. جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں, جو کچھ ہم نے رزق دیا اس میں سے خفیہ علانیہ خرچ کرتے ہیں, وہ ایسی تجارت کہ وہی وارہ جس میں خسارہ ہی نہیں, جس میں خسارہ ہی نہیں. رب کائنات ان کو بھرپور اجر عطا فرمائے گا, اپنے فضل سے ان کے اجر میں اضافہ ہی فرمائے گا, بے شک وہ بڑا ہی بخشنہار اور قدر کرنے والا, جو اعمال کرتے ہو اس کی قدر کرنے والا ہے. اور یہ جو قرآن ہے, اس کی جو تلاوت ہے, لوگ کہتا ہے دل خراب ہے, بیمار ہوں, مریض ہوں جی, دل کا اس کو مرض لگا ہوا ہے جی, پریشان رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, سکون نہیں ہے, کوئی ٹیبلٹ استعمال کرتا ہے, کوئی ٹیبلٹ استعمال کرتا ہے, کوئی لمبے لمبے کیپسول استعمال کرتا ہے, کوئی پڑیا دیسی دوائی استعمال کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی پریشانیوں کا حل بھی رکھا ہے. ایسی بات نہیں کہ پریشانی کا حل نہیں. رب کائنات فرماتے ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا ہو جاؤ, ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لو کہ اطمینان قلب تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اطمینان قلب, دل کا جو سکون ہے وہ کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں. اور سارے کا سارا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک سارے کا سارا اللہ کا ذکر ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں اللہ کا ذکر ہے, سورت فاتحہ اللہ کا ذکر ہے, اس کے بعد کوئی سورت ملاتے ہو اللہ کا ذکر ہے, قرآن کو پڑھتے ہو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کیا ہے؟ ذکر ہے. اور یہ جو قرآن ہے, اللہ اکبر, یہ جو قرآن ہے یہ دلوں کو سرور پہنچانے والا, آنکھوں کو نور بخشنے والا ہے, مصائب و آلام, رنج و غم کے اندر اور بھی
بیماریوں کی اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے, بیماریوں کی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی آدمی کو دکھ اور غم پہنچے اور وہ بندہ جس کو دکھ اور غم پہنچا ہے وہ یہ جب یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شان اس کے غم, اس کے دکھ, اس کی تکلیفیں, اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. اور وہ کون سی دعا ہے, کون سی دعا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عبدک ناسیت بیدک ماز فی حکمک عدل فی قضاؤک اسعدک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک. یہ ہے وہ لفظ جی جو چیز تُو نے کتاب میں نازل کی, او علمت احدا من خلقک او استاخرت به فی علمک فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع. یہ بھی وہ بات ہے جی, ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی الا اذهب الله عز وجل همه وحزنه ابدله مكان حزنه فرحا. یہ ہے وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ یہ کہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ, تیرے بندے اور بندی کا بیٹا, میری پشانی تیرے ہاتھ میں, تیرا ہر حکم مجھ پر نافذ ہونے والا, میرے معاملے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے, میں تجھ سے تیرے اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جی, اس وسیلے سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے خود اپنے لیے پسند کیا, جسے تو نے خود اپنے لیے پسند کیا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ رکھا کہ قرآن میرے دل کی بہار بنا دے, قرآن میرے دل کی, قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے, سینے کا نور, میرے دکھوں غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. جب کوئی بندہ یہ دعا مانگے تو اللہ جل شانہ اس کے دکھ کو, تکلیف کو, اس کی مصیبت کو, اس کے الم کو دور کر دیتا ہے جی. اور وہ کیا چیز ہے بتلائی, اس قرآن کو, اس قرآن کو میرے لیے کیا بنا دے, نور بنا دے جی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو بنا دے. کس کے لیے؟ جو قرآن پڑھے گا, جو قرآن کی تلاوت کرے گا, اسی کے لیے کہ جو قرآن کو جب وہ سجا کر. آج کل ہمارے ہاں قرآن کو تویز دھاگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یہ تویز دھاگے کی اللہ کی قسم کتاب نہیں ہے, یہ پڑھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے. اور کچھ لوگوں نے اس کو فال نامہ بھی بنا لیا. فال نامہ سمجھتے ہیں جی, یہ بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ روڑوں کے اوپر, طوطے رکھ کر, کبوتر رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس لوگ جاتے ہیں, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ ہاتھ چیک کراؤ, وہ ایک کتاب رکھی ہوتی, کھولتے ہیں پھر بتاتے ہیں تیری قسمت میں یہ ہے, تیری قسمت میں یہ ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے قرآن رکھا ہوتا اپنے پاس, اس کے پاس جاؤ جی میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے, وہ قرآن کو کھولیں گے اور کہیں گے اس کا نام یہ رکھ جی. کوئی ہوگا جی مولوی صاحب میں کاروبار شروع کرنے لگا, اس کے بارے میں وہ قرآن کھولتے ہیں اور ان کو بتلاتے ہیں یہ فال نامہ ہے. یہ قرآن فال نامہ نہیں ہے, یہ تو کیا ہے, پڑھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس کو حفظ کر لیں؟ فرمایا ہاں حفظ کرو, اس کو پڑھو, اس کو حفظ بھی کرو اور پڑھو بھی. اور پھر یہ جو قرآن ہے, یہ جو قرآن ہے ایسی بات نہیں, اس کے ہر ہر حرف کے بدلے میں نیکی جو ہے وہ ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں, فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف واللام حرف ومیم حرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, قرآن کو پڑھتا ہے, اس کو ہر ہر حرف کے بدلے میں نیکی ملتی ہے, اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے, میم تیسرا حرف ہے. جو شخص ایک مرتبہ کہتا الف لام میم, کتنی نیکیاں ملی؟ یہ نہیں کہ الف لام میم پڑھنے پر 10 نیکیاں, نہیں نہیں, بلکہ الف لام میم تینوں کو پڑھ گیا تو 30 نیکیاں. اور جو سورہ فاتحہ پڑھے, جو سورہ فاتحہ کے ساتھ اور بھی نماز میں پڑھے, کتنی نیکیاں ہوں گی اس کی, کاؤنٹ کر کے دیکھ لیجئے گا جی. تو اس لیے میرے محترم دوستو اس چیز پر یہ عمل ہو کہ قرآن کو جو ہے وہ یاد کیا جائے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جی قرآن پڑھا کرو,
मुझे सब आता नहीं, पढ़ नहीं सकते, तो जो कहे ना मैं नहीं पढ़ सकता, इसके लिए डबल अजर है। पता है आपको, एक आदमी फर पढ़ रहा और एक शख्स अटक अटक कर पढ़ता है, उसके लिए अल्लाह ने डबल अजर रखा है। वो क्या है, हम आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ने इस हदीस की रावियां हैं, वो फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माहिर बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बरराम वल्लजी यकराउल कुरान व यततअता फीही व हुवा अलैहि शाकुन लहू अजरान। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम फरमाते हैं, कुरान मजीद की तिलावत में महारत रखने वाला शख्स लिखने वाले इज्जतदार फरिश्तों के साथ होगा। जो कुरान को फरफर पढ़ने वाला महारत के साथ ये पढ़ने वाला है, वो इज्जतदार फरिश्तों के साथ या वो होगा। और वो शख्स जो तिलावत में अटकता है, कभी यहां पर फंस गया, कभी वहां पर फट गया, अब सोच रहा कैसे पढूं, लेकिन अटक अटक कर जब उसको पढ़ता है तो अल्लाह के पाक पैगंबर ले सलातो सलाम फरमाते हैं उसके लिए डबल अजर है। उसके लिए डबल अजर है। पहला अजर किस चीज का, पढ़ने का, और दूसरा फंसने का, अटकने का, मुशक्कत का जी। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए मुझे कुरान नहीं आता तो चलो छोड़ देते, नहीं, उसको पढ़े, चाहे अटक अटक कर ही पढ़े, इसलिए कि इसके लिए कितना है, डबल अजर है। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा सैयदना अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बाजार में खड़े थे, बाजार में खड़े थे। कितना टाइम बाकी है, टाइम हो गया, चले यही हदीस पे। एक मर्तबा सैयदना अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े थे बाजार में, और लोग इधर उधर जिस तरह मार्केट में होते हैं खड़े थे, तो सैयदना अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने कहा, लोगो इधर आओ। लोग आ गए, अरे इधर क्या कर रहे हो, और जाओ उधर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत जो है वो तकसीम हो रही है। विरासत समझते ना, जब भी विरासत का जहन बात जहन में आती है, नाम उसका जहन में आता है, तो लोगों के सामने ये चीज आ जाती है, इससे माल मुराद है, कोठी बंगला है, जमीने हैं, जायदाद, ये चीज है। जब सुना उन्होंने कि उधर मस्जिद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत तकसीम हो रही है, लोग गए मस्जिद में। अब वहां पर जब गए, जाने के बाद उन्होंने चेक किया तो कुछ लोग यहाँ वापस आ गए, सैयदना अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु उधर खड़े थे। अब वापस आ गए, लोगों वापस क्यों आ गए हो, कहते उधर तो कुछ भी तकसीम नहीं हो रहा, हम गए हैं वहां पर कोई चीज भी तकसीम नहीं हो रही। उनका कोई लोग नहीं थे वहां पर, उनका लोग तो थे तो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा, कोई तो नमाज में था, कोई कुरान की तिलावत कर रहा था, कोई जिक्र कर रहा था, और कुछ लोग बैठे दीनी मसाइल एक दूसरे को समझा और बतला रहे थे। फरमाया यही तो मेराज है नबियों की, कुरान की तिलावत यही तो मेराज है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ना यही है विरासत, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम की दीनी मजालिस में बैठना, अल्लाह के घर मस्जिद के अंदर बैठकर रब की याद करना, यही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है, यह है मीरास जी। कौन चाहता है इस मीरास को लेना जी, सारे चाहते हैं जी, इंशाअल्लाह। नमाज, कुरान की तिलावत, जिक्र, अजकार, दीनी मसाइल का सीखना, ये सारी की सारी क्या चीजें हैं, ये मेरास है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ताला जल्ला शानु हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक और चीज भी ये है कि लोग ये कहते हैं कि मौसीकी रूह की गजा है, सुना कभी आपने, नहीं सुना, कहते हैं जी मौसीकी रूह की गजा है, हालांकि ये रूह की गजा नहीं है, रूह को तबाह करने वाली है। रूह की जो गजा है वो क्या है, अल्लाह का जिक्र है जी। रूह की वो गजा है वो अल्लाह की एतात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एतात है। जब अल्लाह और उसके रसूल की एतात में बंदा आता है, रब्बे कायनात की कसम है, उसको सुकून मिलता है, उसको सुकून मिलता है। और इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बिलाल खड़े हो जाओ, नमाज की तरफ बुलाओ ताकि हमें सुकून महसूस हो। नमाज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि नमाज से हमें सुकून महसूस होता है, और फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इसीलिए तो किसी ने जो है वो कहा है, कुरान घर में है मगर हम पढ़ते ही नहीं, कुरान घर में है मगर हम पढ़ते नहीं, जरा भी अल्लाह का खौफ हम करते नहीं, जलजलों के झटकों से उठ जाते हैं फौरन, सुनकर आजान कभी हम उठते ही नहीं।
आता ना जलजला, फौरी उठकर जाओ बैठ जाते, उठो कलमा, सारे कलमा शुरू कर देते, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए तो मौत नजर आ रही है जी। लेकिन उधर अजान मुनादी देने वाला अजान देता है, तो फिर इधर से करवट उधर और उधर से करवट उधर, कंबल ऊपर लेते हैं कि जो दो लफ्ज और ना ही कान सुने तो अच्छा जी। अल्लाह अकबर जी। जलजलों के झटकों से उठ जाते हैं फौरन सुनकर अजान, कभी हम उठते नहीं, हमें आती है मुसीबत तो अल्लाह याद आता है, वरना तो कभी सर सजदे में हम रखते ही नहीं। कानों में अजान की भला कैसे आए आवाज, बंद तो कभी टीवी हम करते ही नहीं। सूरत से तो इंसान नजर आते हैं हम, मगर सीरत से तो मुसलमान लगते ही जी। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला जल्ला शानु हमें मुसलमान बनाए, अल्लाह ताला जल्ला शानु कुरान की तिलावत करने वाला बनाए, जिक्र अजगार करने वाला बनाए, अल्लाह ताला जल्ला शानु हमें जिस तरह मुसलमानों के घरों में पैदा किया है, इसी तरह अल्लाह ताला जल्ला शानु हमें मुसलमान बंदा बनने की भी तौफीक अता फरमाए। सिर्फ नाम रखने से काम नहीं चलेगा, अगर नाम रखने से काम चले ना तो फिर कई ऐसे ईसाई भी हैं जिनके मुसलमानों जैसे नाम है, मुसलमान यूसुफ नाम रखते हैं, ईसाइयों के भी यूसुफ नाम होते हैं जी, मुसलमान ईसा नाम रखते हैं, ईसाइयों के भी नाम ईसा होते हैं। तो नाम से जो है वो नहीं, बल्कि असल क्या है, काम से। कोई अपना नाम रख ले वजीर आजम, कोई अपना नाम रख ले वजीर आजम जी, तो क्या जब रोड पे निकलेगा लोग सुरूर मारेंगे, ये कह दी मैं वजीर आजम हूं, लोग जूते मारेंगे। वजीर आजम तो उधर बैठा इस्लामाबाद में है जी, दिल्ली में बैठा, तू यहां पर जो है वो क्या वजीर आजम। तो नाम से काम नहीं, बल्कि काम से जो है वो काम बनेगा। तो असल काम मुसलमान का क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद फिर उस पर जो है वो पांच वक्त की नमाज है, उसको उस पर जो है वो माल हो तो उसके लिए जो है वो जकात है, अगर अल्लाह ने ज्यादा राह दिया है तो उसके लिए जो है वो हज है, रमजान आ जाए तो रोजे है, और उसके साथ साथ जो है वो गरीबों के साथ ताउन है, माँ बाप का एहतराम है, जिक्र अजगार है, दुरूद शरीफ है, ये सारी की सारी इबादात है, ये है काम, ये है अमले सालेहा। अल्लाह ताला जल्ला शानु से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमले सालेहा करने की तौफीक अता फरमाए, रब्बे कायनात हमें कुरान और सुन्नत का चलता फिरता जो है वो नमूना बनाए। अल्लाह ताला जल्ला शानु बीमारों को शिफा अता फरमाए, मजलूमों की इमदाद फरमाए, जो किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं अल्लाह ताला उनकी मुसीबतों को जो है वो हल फरमाए। अल्लाह ताला जल्ला शानु जो दुनिया से मुसलमान है, ईमान की हालत में दुनिया से गए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, जिनकी बख्शिश हो चुकी है जन्नत और फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए, वालिदैन की कदर करने की, एहतराम करने की, उनकी इज्जत करने की अल्लाह ताला जल्ला शानु हमें तौफीक अता फरमाए, जिनकी औलादें नहीं अल्लाह ताला उनको नेक नरीना औलाद अता फरमाए, जिनको बच्चों की जरूरत अल्लाह उनको बच्चे अता फरमाए, जिनको बच्चियों की जरूरत अल्लाह उनको बच्चियां अता फरमाए, जिनको दोनों की जरूरत अल्लाह उनको दोनों अता फरमाए। रब्बे कायनात हमें चलता फिरता कुरान और सुन्नत का हमें नमूना बनाए, अल्लाह के रसूल सल्लम की सच्ची अकीदत सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, आपकी इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए, असहाबे रसूल की कदर और कीमत करने की, उनका एहतराम करने की, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, असहाबियात के एहतराम करने की, अल्लाह के रसूल सल्लम के अहले बैत की हमें इज्जत और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे कायनात मेरे और आपके दिल में जितनी भी नेक हाजात हैं अपने फजल और करम से उनको कबूल मंजूर फरमाए, जिंदा रखे तो ईमान पर, मौत आए तो ईमान पर, हमारी ज़बानों पर जारी हो सारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह।